अथिया शेट्टी ने 23 जनवरी को बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी। शादी के बाद से जहां सुनील शेट्टी शादी की रस्मों की प्यारी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वहीं अथिया ने भी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। शादी में अथिया ने पापा सुनील शेट्टी और होने वाले पति केएल राहुल के साथ धमाल मचाया, इसकी झलक तस्वीरों में नजर आ रही है। अथिया की ये तस्वीरें शादी से एक दिन पहले हुई मेहंदी सेरेमनी की है। एक तस्वीर में जहां अथिया शेट्टी कैमरे को जीभ दिखाती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में वह केएल राहुल से कुछ बात करती दिख रही है। वहीं राहुल अथिया के गाल खींच रहे हैं। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है। बेटी की शादी की हर रस्म में सुनील शेट्टी ने न सिर्फ हर काम सुपरएक्टिव होकर संभाला, बल्कि खूब डांस भी किया। अथिया के साथ सुनील शेट्टी ने सुपरहिट पंजाबी और हिंदी गानों पर खूब ठुमके लगाए। अथिया और केएल राहुल के अफेयर की खबरें 2019 में आनी शुरू हुई थी। तब उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। अथिया और केएल राहुल ने अपना रिलेशनशिप 2021 में फिल्म तड़प की स्क्रीनिंग के दौरान किया था। अथिया और केएल राहुल की शादी की रस्में 21 जनवरी से शुरू हो गई थी और 23 जनवरी को इस कपल ने खंडाला स्थित फार्म हाउस पर 7 फेरे ले लिए। शादी में परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदार और क्रिकेट व बॉलीवुड से कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे। बेटी अथिया की शादी के बाद सुनील शेट्टी ने मीडिया को बताया था कि अब वेडिंग रिसेप्शन आईपीएल के बाद मई में होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब 3000 मेहमान शामिल होंगे। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। कहा जा रहा है कि रिसेप्शन में अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल और अथिया ने आईपीएल और अन्य कमिटमेंट्स के कारण हनीमून पोस्टपोन कर दिया है। वो अपने काम में बिजी हैं। हाल ही अथिया को शादी के बाद पहली बार पब्लिक जगह पर स्पॉट किया गया। इस दौरान अथिया ने तो गले में मंगलसूत्र पहना था और न ही हाथ में चूड़ा या फिर मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी। इसी वजह से यह नई नवेली दुल्हनिया ट्रोल्स के निशाने पर आ गई।